स्वागत है आप सब लोगों को हमारे चैनल में। और आज हम आप लोगों को ऋषि पंचमी व्रत के बारे में बतावे जा रहे हैं, जो व्रत हर साल भादों के महीना में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी व्रत पड़त है। हिंदू धर्म में जब व्रत को बहुत महत्व मानो जाते हैं, कैसे कि जो व्रत सुहागन महिलाएं और लड़कियां बार टाइम के लाने करती हैं, जब भी रजस्वला हो जाती तो उनसे जो भी गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को मिलने वाले जो दोष हैं उनसे रक्षा के लाने जो व्रत करो जाते हैं, जा से जो व्रत बहुत महत्वपूर्ण मानो जाते हैं। जा में कोई भगवान की पूजा नहीं होते, जा में महिलाएँ सात ऋषियन को बना के उन सात ऋषियन की पूजा करती हैं। तो जो व्रत कैसे हुई है बाकी बारे में हम आपको पूरी विधि बताएं, तो आइए जानें ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में। सबसे पहले आपको ऋषि बना के तैयार करने, तो एक प्लेन पेपर आप लोग ले लो और वापे जा तरीका से चंदन से आपको सात ऋषि बना के तैयार करने। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने आपको बताया है कि जी ऋषि आपको बनाने कैसे हैं। जैसे ही आपके सात ऋषि बन के तैयार हो जाएं, तो आपको आपका करने अगली प्रोसेस जो है कि आपको इतने बनाने चौक। चौक पूरा हो जाते ही जब भी हम कोई पूजा करें तो पटा लगाते जो भगवान के लाने बाकी लाने आप पहले चौक पूर लो। कैसे चौक बहुत शुभ मानो जाते हैं कि भगवान को बही पे बिठा रो जाते हैं। तो आप जो आटा से पूरने चाहिए तो बिल्कुल शुद्ध आटा ले लो आप, और हमने आपको वीडियो में बताई है कि आपको चौक कैसे पूरने। आपको कोई और डिजाइन आता तो आप वैसे भी पूर सकत। आपको बता दें कि आज के दिना जो बीच में रखे जाते हैं चौक के, वे मूर्धन के चावल यानी कि समा के चावल रखे जाते, वे वाले चावल आज नहीं लगाएगा। पटा रखेंगे अच्छा साफ, धुलो धुलाओ पटा रखेंगे, बाकी बाद हम पटा पे एक बिल्कुल साफ और स्वच्छ कपड़ा बिछाएंगे। पूजा के जो ऋषि हमें इन पे बिठाने हैं उनकी आसनी तैयार हो गई जी, हमने ऋषियन को इन पे बिठा दिए हैं। पूजा स्टार्ट करेंगे, पूजा के लाने सबसे पहले हम सब ऋषियन को रोरी को जो टीका लगाएंगे। रोरी को टीका लगावे के बाद आपको मूर्धन के जो चावल हैं वे ही चढ़ाने, सादा वाले चावल आज नहीं चढ़ेंगे। आज मूर्धन यानी के समा के चावल ही आपको चढ़ाने हैं। जैसे जे चढ़ जाए सो आपको क्या करने के दूरवा लेना है, जो दूबा होते ही जो वाली जो आपको सब ऋषियन पे दूबा चढ़ाने हैं। और दूबा अर्पण के बाद हम फूल चढ़ाए हैं, फूल आपको जो भी मिल जाए, लाल पीले नीले सफ़ेद, हमें सफ़ेद मिले सो हम वही चढ़ा रहे हैं। सो बस जे आप फूल चढ़ा दो। आज के व्रत में इनको जो प्रसाद होता ही वो होते ही ड्राई फ्रूट्स को और केलन को, बस ये प्रसाद इन्हें लगत है। सो हम ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ा दे हैं और हम संग चढ़ा दे हैं केला, जो ही प्रसाद आज इन्हें लगत है। आपको बता दें कि खावे में भी आज केले ही खाओ जाते हैं, और आज चाय जो पी जाते हैं वो शक्कर की या गुड़ की नहीं पी जाते हैं, वो छुआरे की पी जाते हैं। और आपको व्रत में भी मूर्धन के चावल ही दूध से खाने पड़त है। चलो पूजा जा तरीका से संपन्न हुई। अब हम अगली में सबसे पहले दिया जला है, धूप बत्ती जला है, और अब जाके बाद दिया और धूप बत्ती जलावे के बाद कथा। कथा अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल में जो जा तरीका से वीडियो जो चला सकत हो आप, ऋषि पंचमी की पूरी कथा गूगल पे आपको मिल जाए, सुबह आप निकाल लो, लेकिन बाद से पहले हाथ में चावल और मूर्धन सीधे हाथ में जरूर रखें। चलो भविष्य पुराण के अनुसार एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और पुत्री थी, दोनों ही विवाह योग्य थे। पुत्री का विवाह उत्तक ब्राह्मण ने सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी पुत्री मायके वापस आ गई। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी, तभी उसकी माँ ने देखा कि पुत्री के शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री का ऐसा हाल देख कर उत्तक की पत्नी व्यथित हो गई। वह अपनी पुत्री को पति उत्तक के पास लेकर आई और बेटी की हालत दिखाते हुए बोली, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी बेटी की ये गति कैसे हुई? उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद रेखा के पूर्व जन्म में उसकी पुत्री ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन रजस्वला के दौरान
उसने पूजन व कई बर्तन छू लिए थे और इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। इस वजह से उसे इस जन्म में शरीर पर कीड़े पड़े। फिर पिता के बताए अनुसार पुत्री ने इस जन्म में इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पंचमी का व्रत किया। इस व्रत को करने से उत्तक की बेटी को अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। और जा तरीका से कथा की हम लोगों ने कही, अब हम होम करेंगे। होम जो कंडी होते हैं, बाई थोड़ा सो गैस पे जला लेते हैं, बाकी बाद वहाँ में सब हल्दी चंदन रोरी लगा के चावल चढ़ा के फिर वहाँ में प्रसाद चढ़ाते हैं और घी से बाको होम कराते हैं। होम के बिना पूजा पूरी नहीं होती। होम हो चुका है, होम के बाद बस आरती कर ले हैं और आपकी पूजा ऋषि पंचमी की संपन्न भई। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।